बनारसी कन्या के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आप लोगों को ले चलते हैं 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना जिस मंदिर में हुई थी उस मंदिर में, और वहां पे आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक भी मिल जाएंगे। उस मंदिर का नाम है मड़ी मंदिर, जो कि दुर्गा कुंड पे पड़ता है। मड़ी मंदिर धर्म संघ आश्रम के भीतर बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही भव्य और सुंदर है। श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से यह मंदिर बनवाया गया है। मंदिर का नाम मड़ी मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतीक यहाँ पे स्थापित है वह स्फटिक मणि के इस्तेमाल से बनाया गया है, इसलिए इस मंदिर का नाम मड़ी मंदिर पड़ा है। मंदिर में एंट्री से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल माला मिल रहा है, जहाँ से आप खरीद के ले जा सकते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। और यहाँ पे एक गौशाला भी है जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे, आपको सबसे पहले नंदी जी का दर्शन मिलेगा। उसके बाद आप साइड में देख सकते हैं मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों, ये तो रहा मंदिर के बाहर का हिस्सा, जिसे आप देख चुके हैं बहुत ही सुंदर है। मंदिर के अंदर जाते ही आप लोगों को सबसे पहले दर्शन मिलेगा महादेव का। यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है महादेव की, ये 5 फुट की बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। यदि आप भी महादेव के भक्त हैं तो मणि मंदिर में ज़रूर आएँ, जहाँ पर आपको ये बड़े से शिवलिंग का दर्शन करने को मिलेगा। और 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी स्थापना की गई है, जो कि थोड़ी देर में आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसकी वजह से यह मंदिर और भी आकर्षक दिखता है। वैसे तो कहा जाता है कि यह मंदिर सिया राम और लक्ष्मण जी को समर्पित है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इनकी मूर्ति को सजाया गया है। एक साइड में शिवलिंग है और दूसरे ही साइड में आपको माँ दुर्गा का भी दर्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपने महादेव और सिया राम का दर्शन किया, चलिए अब आप बाकी देवी देवताओं का भी दर्शन कर लीजिए, जो कि इस मंदिर को और भी सुंदर बनाता है। ये रहे आपके श्री हनुमान जी, उसके बाद स्थापित है मूर्ति श्री शिव परिवार का, जिसमें गणेश जी के साथ शिव जी और पार्वती जी हैं। फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे श्री लक्ष्मी नारायण, जहाँ की लक्ष्मी जी और नारायण भगवान हैं। मंदिर के परिसर में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की भी मूर्ति स्थापित है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों साइड में शिवलिंग स्थापित है नर्मदेश्वर, जो कि आप एक साइड का देखे थे। अभी आपको ये जो शिवलिंग देखने को मिल रहा है वो दूसरे साइड का है। दोनों साइड का मिला के 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित है। अब आपको दर्शन मिलेगा श्री लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज का, उसके बाद श्री परशुराम जी का। दर्शन मिलने से पहले आप लोगों को बोल दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। भगवान परशुराम की मूर्ति भी बहुत ही सुंदर तरीके से स्थापित की गई है। चलिए अब आप लोगों को दर्शन कराते हैं उस 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतीक, जो कि स्फटिक मणि के इस्तेमाल से बनाया गया है, जिसके बेसिस पे इस मंदिर का नाम मणि मंदिर रखा गया है। तो ये रहा वो 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतीक, जिसके बेसिस पे इस मंदिर का नाम मणि मंदिर रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मणि मंदिर के बारे में। अब चलिए आप थोड़ा मंदिर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखें। पुराने एवं ऐतिहासिक बनारस यानी काशी से जुड़े ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मणि मंदिर जरूर आएँ।